अब हमारी सरकार को कहती नहीं भैया आप नवाब मत बनाइए, इसको तो पकोड़ा बताना सिखाइए। को चाहिए सरकारी नौकरी जिसमें करना कुछ ना पड़े। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। 1947 को आप आजादी मानते हैं। बिहार का बुरा हाल कर रखा है। मैं यादव हूँ लेकिन यादव के खिलाफ हूँ। प्रार्थना करता हूँ एक बार मुझे बिहार को योगी भेज दो मेरे बिहार। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। पकौड़े बेचने गलत बात नहीं है। जो व्यक्ति बीए तक जिसका माँ बाप पढ़ाता है कि मेरा बेटा बीए पढ़ने के बाद वो सरकारी नौकरी करेगा, मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक कापी लेने जाऊँ ना, एक कापी 25 रुपए से कम नहीं मिलती, और चार कापी जब जिसके घर में दो बच्चे हैं ना, और यहाँ तक कहा ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, वर्दी कपड़े, जब सुबह 7 बजे उन बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजो ना कि मेरा बच्चा पढ़कर नवाब बनेगा। पर अब हमारी सरकार खुद कहती है नहीं भैया आप नवाब मत बनाइए, इसको तो पकोड़ा बताना सिखाइए, पकोड़ा तलना सिखाइए। कढ़ाई के अंदर अगर 2 किलो बेसन में कितने पकोड़े तले जाते उसके बारे में बताइए आप। बीए और डीए मत पढ़ाइए। ये लोग जो पकोड़े का मजाक उड़ाते हैं ना, पकोड़े बनाने में मेहनत लगती है, इनको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। कोई ये कह रहे हैं पढ़ाई करने में क्या मेहनत, सवाल तो इनका भी सही है। मेरे घर के पास 5-7 लड़के हैं जिन्होंने बीए एमए किया है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। इनको चाहिए सरकारी नौकरी जिसमें करना कुछ ना पड़े और मोटी सैलरी मिल जाए। इनका जितने लोग नौकरी मांगते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सरकारी नौकरी, हराम से ठाट, हराम की तनख्वाह चाहिए। सरकार प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है, इसीलिए कर रही है कि जो सरकारी नौकरी में लग जाता है वो काम नहीं करना चाहता। वो ये कह रहे सरकारी नौकरी में जो लग जाता है वो काम चोर हो जाता है, काम नहीं करना। जब एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक गरीब आदमी का व्यक्ति पढ़ लिख के IAS IPS क्यों नहीं बन सकता, क्यों किसने रोका है? सारे गरीब घर के तो IPS IAS बने हुए हैं, ये समझाया, गरीब घर के ही है। नहीं नहीं नहीं, ये अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री ने समझाया, ये खुला दरबार है सबके लिए, सब IPS पढ़ लिख, जिसके पास एजुकेशन है वो बड़ी से बड़ी सीट पे बैठ सकता है, उसमें ये नहीं देखा जाता। पढ़ना ये अगर बीजेपी के काम इतने अच्छे हैं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में इतनी बुरी हालात क्यों है? याद रहे राजस्थान में बुरे हालात कहाँ है? रैली करनी पड़ रही है, मोदी को उतरना पड़ रहा है। मोदी, मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी जी 24 आवर्स चुनाव के मूड में भी रहते हैं। कांग्रेस जीत गया, कांग्रेस जीत गया, कमलनाथ राजस्थान में, हमसे बात करो, कांग्रेस है ना राजस्थान में, कांग्रेस और RLP के बीच ये लड़ाई है कि दो नंबर पर कौन रहे। मणिपुर को क्यों भूल गए? पार्लियामेंट के बाहर खड़ा होके मीडिया के सामने कहते हैं साहब मेरे को बहुत दुखी है मेरा मन, आज आप G20 करवा रहे हैं अपनी कंट्री में, अदर कंट्रियों में आप जा रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, परंतु आपने मणिपुर की यात्रा नहीं की। क्या मणिपुर हमारी देश से बाहर है? लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करके आए। देखो जी, हम भी वो भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं, भारत की जनता ने उन्हें वोट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाया है, ठीक है, और भारत की जनता जो है लोकतंत्र का आदर मान और सम्मान करती है, और जितना हक उस सरकार में बैठे हुए लोगों का है, उन सरकार में बैठे हुए लोगों को किसने बनाया? देश की 140 करोड़ की जनता ने उन्हें वोट देकर पार्लियामेंट में पहुंचाया है। वो पार्लियामेंट उनके घर की नहीं है, वो पार्लियामेंट हिंदुस्तान की जनता की है। हिंदुस्तान की जनता ने संघर्ष किया तब जाके इस देश को आज़ादी मिली, और वो आज़ादी क्या इनके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है? जो कुर्बानी शहीद भगत सिंह ने दी, जो कुर्बानी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने दी, जो शहीदी चंद्रशेखर आजाद ने दी, खानदान ने दी, एक किस आजादी की बात कर रहे हैं? 1947 को आप आजादी मानते हैं? आप भी कंगना रावत की तरह 2014 में आजाद। अरे नहीं नहीं, आप समझो मेरी बात, उस दिन पावर ऑफ ट्रस्ट हुआ था, आजादी नहीं मिली थी, उस वक्त आपका थल सेना अध्यक्ष कौन था, आपका जल सेना अध्यक्ष कौन था, वायु सेना अध्यक्ष कौन था, उनके नाम बताइए, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे,
उनके द्वारा आपकी सरकार किस पार्टी की थी? कांग्रेस की। उसका उसका फाउंडिंग मेंबर कौन था? एक अंग्रेज। अंग्रेजों ने मुझे कौन सी है? मैं जानना चाहता हूँ आज की तारीख में भी होम मिनिस्ट्री में आप आरटीआई लगाते हैं तो भगत सिंह जी के बारे में क्या कहा जाता है कि वो टेररिस्ट है। बड़ा दुख होता है। कांग्रेस ने बहुत दुख। टेररिस्ट किसने बनाया? बिल्कुल गलत। आज भी देश के लिए उनका वर्कर को भी टेररिस्ट। सुनिए मेहरबान, नाथूराम गोडसे सुनिए, पहले सुनिए मैम, सुनिए। मैंने ना कांग्रेस का पक्ष लिया। युवा कह रहे नाम किसको दिया जा रहा है? जब देश के लिए वे शहीद हुए हुए थे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, तो नाम गांधी को क्यों दिया जा रहा? उसके देते नाम गांधी का क्यों दिया जा रहा है? हमारे बताओ, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ मैं। मैडम मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं देश के संविधान की बात की है। ये युवा है जो बाप को खाकर बाप अकाली दे रहे हो या भाई या बखत पीवा मिल रहे तुम? देश के संविधान की बात की है। संविधान तुमने पढ़ो ही ना, संविधान कहाँ पढ़ो तुमने? तुमने ना पढ़ो कुछ भी, निकल गई तुम। संविधान पविधान सब घुस जाएगा, फिर तन से जुदा होगा सर, तन से जुदा। बात गलत है, जो गलत है वो चले गए। हाँ पे बात करो तरीके की, अगर बात करो तरीके की तो साथ में है पूरे हिंदुस्तान ने देखा। संख्या बल का खेल है, संख्या बल का खेल है हिंदुस्तान में। जिसकी जितनी संख्या भारी उसी का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर खतना होगा तुम्हारा, खतना। ना 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 ना, यहाँ पे मैडम जातिवाद की बात नहीं हो रही है, यहाँ जातिवाद का मुद्दा उठ रहा है। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि उनको टेररिस्ट की उपाधि दी किसने? कर्नाटका में जाके देखो क्या हो रहा। पाकिस्तान भाजपा आज भी, मैं किसी पार्टी के दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अखिलेश ने बोला ना, कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, चोर पार्टी है। अगर हमारे गुरु ना होते ना, सिख गुरु नहीं होते, तो हिंदू एक नहीं बचा होता, आज सबका खतना हुआ होता। ठीक कह रहे हैं आप। और ये सब तो वही कही आपके आपने, ये लो देश का पार्टीशन कांग्रेस ने कराया, देश का पार्टीशन कांग्रेस ने कराया, नेहरू और गांधी। सुन लो, मैं तो 1970 से इस परिवार की कब्र खोदने में लगा हुआ और मैंने लाखों वोट इनके खराब किए, आज भी उसी मिशन में लगा हुआ। आज ऑफिस में नहीं आएंगे। कौन है? कांग्रेस, राहुल गांधी। पूरी दूरबीन से नहीं दिखाई देगी, दूरबीन से दिखाई नहीं देगी। मेरी बाइट नोट कर लो, 75 में 26 दल सिमट जाएंगे, 75 सीटों में 26 दल सिमट जाएंगे। मोदी आएंगे। जी देखिए, बिहार का भी बुरा हाल है, मैं बिहार से हूँ लेकिन बिहार का बुरा हाल कर रखा है। मैं यादव हूँ लेकिन यादव के खिलाफ हूँ। मैं तेजस्वी यादव के करीबी, मेरा भतीजा भी काम करते हैं लेकिन मैं तेजस्वी के भी खिलाफ हूँ। क्यों? तो गलत काम करते हैं। अगर वो नीतीश को छोड़ दे तो बिहार में कुछ उसकी बीजेपी के और तेजस्वी की टक्कर होगी। अगर नीतीश के छोड़ेगा तो नहीं तो नहीं, वो भी चला जाएगा इस बार। मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे कहना चाहता हूँ। एक बार मैं नरेंद्र मोदी को ये प्रार्थना करता हूँ, एक बार मुझे बिहार को योगी भेज दो। मेरे बिहार योगी चाहिए। योगी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, बहुत क्राइम हो गया बिहार के अंदर में। एक तो दारू बंद कर दिया, बच्चे ने गाजा पे उतर गया, सुलेशन सीख लिया। क्यों? बड़े आदमी के घर में जाइए मैडम, पूरे ब्लैक लेवल मिलेगा आपको, लेकिन गरीब आदमी सुलेशन बच्चे खराब कर रहे हैं। सुप्रिया खोल दो दारू, खुला खोल दो। तो इसीलिए योगी चाहिए बिहार में। ये मोदी जी को कह रहे हैं ना, मैं मोदी जी के लिए एक ही बात कहूंगा, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, जितने भी लोकतंत्र के हिमायती हैं जिन्होंने बात कही, मैं इनके संबंध में एक ही बात कहूंगा। एक गाना छोटा सा याद आया, हम लूटने आए हैं, हम लूट के जाएंगे। अरे लूट रहे हैं ये लोग, जो 5 साल पहले इनकी सैलरी देखो, 5 साल पहले किसके लिए लूटे हैं? मोदी जी किसके लिए लूटेंगे? अपने लिए लूटेंगे? मोदी जी का कौन है? कोई है क्या? कोई है? अडानी के लिए, अडानी मोदी क्या? राहुल गांधी बोलते हैं अडानी, और कांग्रेस लाया था ना, अडानी ना लाया था ना, कांग्रेस लाया था ना, आज का है। अरे आम जा भाई साहब, एक बार मैं एक निवेदन, कांग्रेस को नहीं दिखाई पड़ा,
एक केजरीवाल ने, सुनिए, केजरीवाल ने क्या किया, बस फ्री करके बस का बुरा हाल कर दिया, ऑटो रिक्शा चलाने वाला का हक मार दिया, जो दो ऑटो वाले तो ऑटो के पीछे लिखते थे आई लव केजरीवाल। हम लोग अब केजरीवाल चोर मैम कौन घुमाएगा, पक्का चोर है केजरीवाल, पक्का चोर, आई लव केजरीवाल तो आप ही लोग, उसका तिहाड़ जेल में बंद है सब, यह अभी जेल जाने वाला है, ये आज अभियान में जेल जाने वाला केजरीवाल, हाँ वो जेल जाएगा। राजकुमार जी कह रहे हैं हम लूटने आए हैं, इनको मुफ्त का राशन मिल रहा है, इनको कोरोना में मुफ्त के इंजेक्शन मिले हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी अमरिंदर सिंह की, वो 1600 रुपए में इंजेक्शन लगा रहे थे, जब मीडिया में आया तो उन्होंने बंद किया। मोदी जी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, मोदी जी ने जो कर दिया और जो करेंगे 24 के बाद, मोदी अब इसमें आएंगे, मतलब 101% आएंगे। मेरे बेटे मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पे बोला था कि 24 में 15 अगस्त को मैं यही झंडा फहराऊंगा, 140 केरी लाल के हसीन सपने भी तो हो सकते। मेरी बात सुनो, मोदी जी को अपनी जनता पे विश्वास है, जनता को मोदी जी पे विश्वास है, मैं तो फिर यही कहूंगा, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। अब धन्यवाद, तो देखिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आएगा देखना दिलचस्प होगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।